स्टार्ट भाई साहब। हाँ, हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी। का देखी? जैसे कि महिलाएं जब ढोलक बजाती हैं। अच्छा, तो आपने भी सुनी होगी ढोलक किस तरीके से बजाई जाती है। हाँ, लेकिन हमने उसको थोड़ा अलग तरीके से देखा। कैसे? जैसे जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं, जो शादीशुदा लड़कियां नहीं होती हैं, कुंवारी लड़की, कुंवारी लड़की, अच्छा, अगर वो ढोलक बजाए तो उसको तुम बड़ी गौर से सुनना। वो कुछ बजाएंगी तो कुछ अलग से उनका एक तरीका होगा, उनमें कुछ अलग से आवाज आएगी और ढोलक भी उन्हीं की तरह बोलेगी, उन्हीं की तरह बोलेगी। और ऐसा लगेगा जैसे उनकी ढोलक को ये शब्द बोल रही है। वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, और कुंवारी लड़कियों की बात में, जो नई शादी होती लड़कियों की, जैसे एक दो महीना हुआ है, अगर वो लड़की अगर ढोलक बजाए तो कैसे बजाएगी, वो अगर बजाए तो वो किस तरीके से आवाज आएगी, क्या बात। और उसको मैंने थोड़ा देखा तो मैंने ये भी थोड़ा अच्छा हटके है। और एक चीज और होती है, जैसे बहुत सी बुजुर्ग महिला होती है, जैसे उम्र होगी 60 साल की या 50 साल की, तो मैंने उनको देखा जब वो ढोलक बजाएंगी तो कुछ और अलग तरीका हटके निकलेगा। तो मैं आपके सामने वो तीनों तरीका कैसे दिखाता हूँ, आप सुनिए। सुना। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे नई लड़की ढोलक बजाएंगी, कुंवारी है, तो वो ढोलक बजाएंगी तो उनका शब्द एक ही निकलेगा। कौन सा? कौन सा? वो केवल एक बात कहेंगी है कि निको निको ढोनी ढोनी, 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 निको निको। यही शब्द आते रहेंगे उनसे। क्या बात है? निको निको ढोनी ढोनी। देखो ढोलक को बोल रही है, बोल रहा है ना, निको निको ढोनी ढोनी, निको निको ढोनी ढोनी। ये इसके बाद में आता है, जैसे अब लड़की की शादी हो गई, शादी हो गई, शादी होने के बाद में जैसे ससुराल से वापस लौट के आई तो उसका माहौल चेंज हो गया। तो जब वो ढोलक प्ले करेगी, ढोलक बजाएगी तो कुछ अलग से आवाज आएगी। उसमें आप सुनना, मेरा जो अनुभव है वो कहेगी, ले ले जामे दत्ते जामे, 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 ले ले जामे दत्ते जामे। वो ही आ रहा है, ले ले जामे दत्ते जामे, ले ले जामे दत्ते जामे। इसके बाद में बाबू क्या होता है, अब जैसे वो औरत बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई, अब उसके ना तो मुंह में दांत है, अब वो कहीं अगर गीत गाने जाती है या जैसे कि शादी है, अगर वहां वो ढोलक बजा रही है तो आप उसको सुनना। आपने भी सुना होगा, लेकिन मैंने उसको सुना, जब मैंने उसको रिसर्च किया मैंने, तो इसकी आवाज कुछ अलग से, तो जब वो ढोलक बजाएगी तो उसकी आवाज क्या आएगी आप सुनिएगा। वो कहेगी, ढीली ढाली ढा